सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैंडअप क्लासेस। सोने भी हमारा वालों, आपका 21 सितंबर का जो है फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर खत्म हो चुका है, यानी आज का जो कि 10:30 पे खत्म हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। और मैं फर्स्ट शिफ्ट के वो सभी क्वेश्चंस लेकर के आ गया जो आपने मुझे कम्युनिटी पोस्ट में प्रोवाइड कराया था। तो चलिए हम लोग जो है 21 सितंबर के सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर लेवल जो आ रहा है बिल्कुल और बिल्कुल आसान आ रहा है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के एग्जाम देते हैं, तो आप 50 में से 50 करके भी आ सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में जहाँ तक बात है पढ़ाने में से आने का, तो सब कुछ पढ़ाया हुआ आ रहा है। कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो कह दे कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आ रहा है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस। तो आपने बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन था योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन था आपका एसआई यूनिट ऑफ लेंस पावर, यानी लेंस की क्षमता का जो एसआई यूनिट होता है जिसमें लेंस की क्षमता मापी जाती है वो क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन था वेयर इज ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका कानपुर में लोकेटेड है। ठीक है, और आप ही में से एक कैंडिडेट ने बताया था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था विच एनिमल डू नॉट हैव टीथ, कौन सा ऐसा जानवर है जिसके पास दांत नहीं होता, यानी उसका दांत ग्रो नहीं होता है। ठीक है, तो दो जानवर हैं। अब आपके जो है ऑप्शन में कौन कौन सा था, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहला तो जानवर है आपका पेंगोलिंस, कौन से हैं, पेंगोलिंस। ठीक है, और दूसरा है एंट ईटर्स, दो जानवर हैं, पहला पेंगोलिंस और दूसरा एंट ईटर्स। ठीक है, अगला था सलीम अली कौन है। तो ये तो काफ़ी जो है आसान क्वेश्चन था, सलीम अली को कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो सलीम अली कौन है, इंडियन आर्निथोलॉजिस्ट है, मतलब कि जो चिड़ियों के बारे में पढ़ाई करते हैं, चिड़ियों की देखरेख से संबंधित जो है कदम उठाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो लोग चिड़ियों से संबंधित पढ़ाई करते हैं, तो क्या है वो, इंडियन आर्निथोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कैपिटल ऑफ मणिपुर, तो मणिपुर का कैपिटल पूछा था आपने बताया, तो मणिपुर कहाँ का कैपिटल है, सॉरी मणिपुर का कैपिटल क्या है, इम्फाल है। ठीक है, अगला पूछा गया था मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदाड़ो आपका जो है सिंधु नदी के जो है किनारे स्थित है, जो कि जिला सक्खर पड़ेगा। ठीक है, और साथ में ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है सिंधु नदी, जो कि ये बंटवारे के समय जो है अलग हो गया, तो ये आपका पाकिस्तान साइड में अब पड़ता है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता। अगला क्वेश्चन था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन नहीं था शायद, आप लोगों ने कोई कैंडिडेट बताया था सर फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा था, कोई कह रहा था सर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति पूछा था। तो दोनों बता देते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था काबुल की जो है कहाँ की राजधानी है, तो काबुल कहाँ की राजधानी है, अफगानिस्तान का। ठीक है, और करेंसी अगर पूछा था अफगानिस्तान का, आप लोगों में से किसी ने कहा था सर अफगानिस्तान का जो है करेंसी भी पूछा था, तो अफगानी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट किया और बताया, क्योंकि अभी आज से जो है आपके एयरफोर्स के एग्जाम चालू हो गए हैं, तो काफ़ी बच्चे जो है एयरफोर्स में भरे हैं जो है फॉर्म, तो उसमें बिजी हैं, उसके एग्जाम में बिजी हैं। तो जितना भी क्वेश्चन मुझे मिला, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं नेवी एमआर वालों का जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रिव्यू दे दूँ, फिर एयरफोर्स वालों का रिव्यू दूंगा। सो कैसा लगा आज की क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला रिव्यू पाने के लिए धन्यवाद।